अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूँ रहमान रजा, आप देख रहे हैं अपना चैनल रहमान क्रिएशन। सो गाइस, आपको आज की इस वीडियो में इस इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो हम सबसे पहले लाइट रूम को ओपन करते हैं। लाइट रूम को ओपन करने के बाद आपने जो पिक्चर बनानी है वो पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। तो इधर तीन डॉट पर आना है, ऐड फोटो पर आना है आपने। तो फाइल से जाके अपने अपनी पिक्चर को ले आना है इधर। तो मैं अपनी पिक्चर को ले आता हूँ। तो ये हमारी पिक्चर इधर ऐड हो चुकी है, तो हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपने इधर आगे आना है, ठीक है। कलर में आना है आपने, सॉरी इधर आना है आपने। एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दें, कंट्रास्ट को कर दीजिए कम एंड हाईलाइट को भी कम करना है आपने, ठीक है। तो शेडो को आपने बढ़ाना है एंड वाइट को भी कम करना है एंड ब्लैक को भी कम करना है आपने, ठीक है। कम करने के बाद आप आ जाए कलर में, ठीक है। कलर में आने के बाद आप आ जाए मिक्स टूल में और रेड वाले में आना है आपने। थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसको फुल कम कर दीजिए एंड सबक को कम कर दीजिए, ठीक है। कम करने के बाद इसको इधर कर दीजिए और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इधर से डन कर दीजिए एंड आगे वाले ऑप्शन पर आ जाएं। क्लैरिटी को कम कर दीजिए एंड डेप्थ को थोड़ा बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद आप ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर आना है। शेयर टू करके आपने स्नैपशीट में शेयर कर देना है इस पिक्चर को, ठीक है ना। तो स्नैपशीट में शेयर कर दें, तो ये हमारा पिक्चर स्नैपशीट में आ गया। टूल्स में आ जाएं आप, HDR स्कैप पर आ जाएं, ठीक है। HDR स्कैप पर आने के बाद थोड़ा कम कर दीजिए एंड सैचुरेशन को थोड़ा लो कर दीजिए, ठीक है। लो करने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना है आपने, ठीक है। बढ़ाने के बाद डन कर दीजिए। फिर टूल्स में आना है आपने, तो टोनल कंट्रास्ट पर आना है आपने। टोनल कंट्रास्ट पर आने के बाद वाइट टोन कम कर दीजिए एंड लो टोन भी थोड़ा कम करना है, ठीक है। कम करने के बाद एंड ट्यून इमेज में आ जाएं, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रास्ट को कम कर दीजिए एंड सैचुरेशन को थोड़ा कम कर दीजिए एंड इम्बेंस को बढ़ा दीजिए और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। बढ़ाने के बाद ऊपर शेयर वाले आइकन पर आ जाएं आप। शेयर वाले ऑप्शन के आने के बाद आपने यू कैम परफेक्ट में इस पिक्चर को शेयर कर देना है। यू कैम परफेक्ट ऐप का नाम है। तो इधर इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएं। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने आना है स्कैनरी में, ठीक है। स्कैनरी में आने के बाद लंदन इफेक्ट आपने इस पिक्चर पर लगाना है, ठीक है। लंदन इफेक्ट लगाने के बाद इसको डन कर दीजिए एंड पिक्चर को कर लीजिए सेव, ठीक है। पिक्चर को सेव करने के बाद टूल वाइज ओपन कर लीजिए। टूल वाइज में ले आए, ठीक है। तो ये हमारा टूल वाइज ओपन हो रहा है, ठीक है। हम इधर प्रो एडिटिंग, ठीक है। तो वो पिक्चर हम टूल वाइज में ले आते हैं। ले आने के बाद इनहेंस में आने के बाद HDR लगाना है इस पर, क्लासिक वाला काम कर दीजिए एंड डन कर दीजिए। ऊपर से शार्पन लगा दें आप, शार्पन आपने एज वाला लगाना है, एंड वाला लगा के कम कर दीजिए एंड वेव फिल्टर लगाना है इस पर, ये भी थोड़ा लो कर दीजिए, ठीक है। लो करने के बाद आप आगे आ जाएं इफेक्ट में। इधर ये इफेक्ट है, तो इफेक्ट में आना है आपने एंड सॉफ्ट स्मज लगाना है आपने दो पर सॉफ्ट स्मज लगाने के बाद आप फोटो से और आई से रेज कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखें जो हमारे हेयर हैं इस पर भी इफेक्ट आ चुका है। तो इधर एक ऑप्शन है कलर स्प्लैश का, कलर स्प्लैश में आ जाएं आप। कलर स्प्लैश में आने के बाद इसको उठाकर इसको ऊँटों पर रख दीजिए, ठीक है। ऊँटों पर रखने के बाद ये इधर ऊँटों पर रख दीजिए एंड इधर नीचे वो मास्क वाले ऑप्शन पर आ जाएं, ठीक है। मास्क वाले ऑप्शन पर आने के बाद इधर एंड पर इसका साइज बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो इस पर फूल कर दीजिए, तो ये इधर से रेज हो जाएगा। रेज होने के बाद फिर से इधर से साइज छोटा कर दीजिए एंड अप्लाई करके तो हायर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट आप इफेक्ट लगा दें। तो ये हमारा इधर से DP क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे आप आ जाएं टूल्स में। टूल्स में आने के बाद रिसाइज कर लीजिए पिक्चर को। रिसाइज करने के बाद आप 2500 पर रिसाइज करना है
तो रीसेट हो गए। करने के बाद आप टूल्स में लेयर में आना, लेयर में आने के बाद आपने वो पीएनजी को ले आए जो आपने पिक्चर पर लगाना है। ठीक है, मैं पीएनजी ले आता हूँ। तो ये मैं इधर पीएनजी ले आया हूँ। ठीक है, पीएनजी का साइज आप थोड़ा बड़ा करके ओवरले कर दीजिए, ऊपर से डन कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज को आपको हमारी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए एंड इस पिक्चर को कर लीजिए सेव।